एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। फिलहाल देखो ऑफिस से आ गई हूँ तो मुझे आपको पता होना चाहिए कि मेरे दो जोड़े कपड़ों में हमेशा आपको वीडियोस दिखेंगी, ठीक है। तो वो ऑफिस जाने से पहले होती हैं और ऑफिस से आने के बाद होती हैं। तो वो यार दो ही जोड़े कपड़े में निकल सकते हैं आपके दिन, अगर निकालना चाहो तो आप वो तो पहनने पड़ते हैं, है ना। बाहर का शौक है, बाहर ही दिखावा है वैसे तो, वरना एक दो जोड़े कपड़े में जिंदगी निकल सकती है। ये वाली बात अलग हो गई, तो मतलब ये इसलिए बता दे रही हूँ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लोग कहें हैं आप तो कि मतलब जैसे एक वो होती है ना, एक यूनिफॉर्म है, वैसे मेरे चैनल की यूनिफॉर्म लगती है मुझे कभी कभी ये वाली टॉप, ठीक है। तो आज क्या हुआ है किस्सा कि हम मोस्टली करण औजला के सॉन्ग पे मैं जो आते हैं करती ही हूँ रिएक्ट और थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। लेकिन आज मैं जब यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल मार रही थी ना तो एक घंटे पहले गाना आया। मैंने कहा एक तो आज हाथ मार ले, आज लेट मत हो ना, आज तो तू तुरंत कर दे, ठीक है। जैसे ही तू देख रही है ऐसे सुन ले गाना, क्योंकि अब ऐसा है कि सबटाइटल की नीट मेरे को सब समझ में नहीं आएगा, नहीं मेरे को इतनी पंजाबी तो सुन ही रही हूँ कि मेरे को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सिद्धू मूसेवाला जी के बहुत सारे गाने करे हैं, मैंने करण औजला जी के भी बहुत सारे गाने करे हैं। अब ऐसा है कि हर चीज पे जंप तुरंत तो मार नहीं पाती, लेकिन जितना हाथ में आता है, जितना हाथ लग पाता है उतने उस हिसाब से वीडियोस बन रही हैं। तो करण औजला जी का एक गाना आया और मैंने इसका सबसे पहले ना गाना चेक करने से पहले भी कमेंट पढ़ा, तो उन्होंने लगा कैसा लगा सरप्राइज, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने पंजाबी में। तो मतलब ये सरप्राइज ही था, किसी को ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि ये गाना आने वाला है शायद, मुझे इस तरह से लगा, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप किया है एकदम से, कुछ पता नहीं होगा शायद लोगों को, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि एक सरप्राइज का नाम दिया गया है। तो मुझे लग रहा है बढ़िया ही होगा गाना, और गाने का टाइटल है विनिंग स्पीच, तो विनिंग स्पीच है तो मतलब यार ये स्पीच ही होने वाला है पूरी तरह से, लिरिक्स से भरपूर होगा, बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, और जितनी बुद्धि में घुसेगा और जितना म्यूजिक को फील कर पाएंगे उतना हम समझेंगे, और मुझे लगता है कि आएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि अगर आप कोशिश बहुत तमीज से कर रहे हो, बिल्कुल मन लगा के सुन रहे हो तो बिल्कुल आता है समझ में, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए, ठीक है। तो बस आ जाओ जरा शुरू कर लेते हैं विनिंग स्पीच को। स्पीच शुरू करनी है तो थोड़ा सा लेनी पड़ेगी, टाइम लेना ही पड़ेगा। आहा, अरे नहीं, ठीक है। वाह, वॉल्यूम भी बहुत तगड़ी है, गाना भी तगड़ा ही होगा, थोड़ा ऐड आने दो। ऐड 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 स्टार्ट हो गया है। Show mercy on it. ठीक है। दो दो घोड़े महग नानी, चार जी वहग नानी, उत्ते नू मैं छे छे इंच चक्किया, टाइम लगू मिटने नू, सानू थले सिटने नू, इक्की बारी जोर ला ले सत्तिया। मतलब हमारे बगल में बैठने में भी टाइम लगता है, ठीक है, तो एक ही बार में जोर लगा लेना यार, मेरे को पकड़ में आ रही है, ठीक है, सही पकड़ रही हूँ ना, मैं थोड़ी थोड़ी भी पकड़ रही हूँ तो सही पकड़ रही हूँ ना। अब ऐसा नहीं कहूंगी कि अब पूरे देर बाद एक लाइन बोल रही हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, इसके बाद नहीं पॉज करूंगी, लेकिन ये मेरे को पकड़ में आई यार एकदम से, लाइक तुमने बता दिया समझ में आ रही है चीजें, तभी इंसान झूमेगा। बस अब सुन, मैंने को नारदा मैं दस बारी बारदा मैं ओदे उत्तो 100 दियां गथियां, टाइम लगे मिटणे नु सानू थले सिटणे नु, इक्की बारी जोर ला ले छत्ती बल कट तारे कने हुण टुटे ना करीज, औड़ा रुखिया सवादे सानू ओंदी नी तमीज, आ ले तेनू दित्ती सांभलानी बेबे वाली चुन्नी, बैठा डबला विच पा के बापू दी कमीज, बाला दूर नीर कने हुण रांझियां नु खेड़ा, बाला नेड़े नु ना जावां बस झाका ही बड़ा मेरा, बाला रुका ना रकाने किते मारा एक फेरा, नटी तो बड़खा की दिता एक बारी गेड़ा, किथे दवे हर काने ना देख ले दबा के, करा शॉपिंगा मिलाने या फगाने आली खा के, तेरा दर्जी रकाने चेंज कर दे महारी, जुत्ती पैरा विच पावा तेरे पैर सो मगा के, तीन महीने तीन चेंज ने लोकेशन आ रकाने, नित यूए तो यूके नू रोटेशन आ रकाने, मैं तो रुक जा दिमाग साला रुकदा नहीं मेरा, ता ही ला लिए समाधि मेडिटेशन आ रकाने, लोकी साडे को सिख हुण सानू देण मतां, सानू किन्ना कुछ दे पीछे वाली लाइन पे, लेकिन ये कितनी प्यारी लाइन है कि तू तो बहुत आराम से सो रही है भाई साहब, लेकिन मेरी नींद उड़ा, मेरे को तो अब नींद ही, कितने सालों से नींद ही नहीं आई है यार। इस ये गाना 1:41 का हो चुका है और ये सच में एक विनिंग स्पीच ही है यार, ये मुझे एक लाइन भी ऐसा नहीं लग रहा कि रिपीट हुई है, ठीक है।
पूरा का ध्यान लगा के ऐसे बिल्कुल वो मेडिटेशन बीच में वर्ड बोला, मेरे को तो लग रहा मैं पूरी मेडिटेशन में बैठ चुकी हूँ, गाने को सुन रही हूँ, समझ रही हूँ और तीन तीन चीजें एक साथ हो रही है, ठीक है, सबटाइटल देख रही हूँ, मतलब सबटाइटल तो है नहीं लेकिन उसमें लिखा हुआ आ रहा है तो वो पढ़ने में और उसको फिर ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने दिमाग में, उसके बाद समझ रहे हैं, उसके बाद फिर थोड़ा झूम भी रहे हैं और फिर म्यूजिक को भी अप्रिशिएट करना है, आवाज को भी अप्रिशिएट करना है, मजा आ रहा है, गजब काम कर रखा है, भर भर के लिरिक्स लिख दिए हैं कि कितने गाने निकल जाए इसमें से, तो ठीक है चलो ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਰੱਖਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰਕਾਂ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਹਾਂ ਪੱਟੂ ਕਾੜ ਕੇ ਰਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮ ਲਾਤਾ ਹਲੇ ਨਵੀਆਂ ਫਰਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਰਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਕ ਮੋੜਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਨਹਾਰਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100-100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿੱਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇ ਰਕਾਨੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਕਾਨੇ ਚੀਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਰਕਾਨੇ ਕਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰੋਟੇ ਤੇਰਾ ਸੌ ਤੋਂ ਪਰ ਪਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਢਿੱਲੀ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੇ ਗੰਨ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੋ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਰਕਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਬਰੇਟਾ ਦਿੰਦੀ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਾਫੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਡਾਲੀ ਥੋੜੇ ਹੰਬਲਾਂ ਰਕਾਨੇ ਲੈਂਬੋ ਨੀਵੀਂ ਕਰਵਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਕਾਨੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਦਾ ਮੀਚ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੇ ਗੰਬਰੂ ਦੀ ਤੋੜ ਕੁੜੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ ਇਹ ਜਨਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਚ ਕੀ ਰਕਾਨੇ ਸੱਚੀ ਬਾਰਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਹਿਨ ਹੋ ਗਈ ਔਜਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਤੀਆਂ ਕਰੀ ਦੀ ਨੀ ਘੇਰ ਕੁੜੇ ਗੌੜ ਦੇ ਨੀ ਸ਼ੇਰ ਕੁੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਹੁਣ 12 ਬਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਨਹਾਰਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100-100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿੱਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਛੱਤੀਆਂ मैं मतलब इस गाने में मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मेरे को ये लाइन पसंद आ रही है, वो लाइन पसंद आ रही है, चौथी लाइन में जाने तक तो तीसरी लाइन भूल जाऊंगी मैं, इतना इतनी प्यारी राइटिंग है, ठीक है, जो एट द मोमेंट आप जब गाना सुन रहे हो, अभी तो ये गाना आया ही है ना, अभी तो ये गाना दिमाग पे चढ़ेगा, जुबान पे चढ़ेगा, तो बहुत टाइम लगता है उस चीज को, क्योंकि बार बार सुनना पड़ेगा ना, ये एक बार में समझने वाला गाना नहीं है, मतलब फील तो हो जाएगा आपको लेकिन याद नहीं हो पाएगा, याद होने के लिए तो आपको वैसे भी गाने 10 बार सुनने पड़ते हैं, 20 बार सुनने पड़ते हैं, तब जाके आपकी जुबान पे वो चढ़ती है चीजें। तो गाना क्या कहूँ मैं, मतलब गाने ने टाइटल को जस्टिफाई कर दिया है और उन्होंने सच में, इनका कमेंट में जो है वो लिखना कि ये सरप्राइज कैसा लगा, ये सरप्राइज सच में बहुत खतरनाक था, क्योंकि मैं औजला जी के पिछले गाने भी रिएक्ट कर रही हूँ, वो थोड़े से आप उनमें झूम लो नाच लो थोड़ा सा, गाने लाइंस रिपीट होती रहती थी, लेकिन ये तो भाई पूरा भाषण है, सच में भाषण है ये, क्योंकि एक एक लाइन जब मीनिंगफुल हो जाती है ना तो उसे लिखना, उसे सोचना, उसे मतलब राइटिंग भी कितनी अच्छी कमांड है कि देखो ना यार 3:57 में सिर्फ वो दो ही जो हमारी हुक लाइन है कि वो जो मेरे बगल में तू नहीं, मेरे बगल में बैठने के लिए भी तेरे को टाइम लगेगा, उसने एक ही बार में मेहनत करी वाली छत्तियाँ वाली जो लाइन थी, ठीक है मैं रिपीट नहीं करूंगी पंजाबी क्योंकि मेरे मुझे बहुत सड़ी लगती है, तो अब देखो ना वही दो ही तीन लाइन जो थी वो बार बार आई, उसके अलावा पूरे 3:57 में वो लगातार गा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, तो काबिले तारीफ राइटिंग है, काबिले तारीफ समझने वाले लोग अब हम बनेंगे, क्योंकि बहुत बार सुनेंगे तभी मुंह में चढ़ेगा, जुबान में चढ़ेगा, यहाँ एकदम से याद होने वाला है नहीं। म्यूजिक बढ़िया चल रहा था, मुझे ये करण औजला पता नहीं हर बार अलग क्यों लगते हैं, आज वीडियो में देखे और अलग लग रहे थे मेरे को, तो कुछ नहीं कहूंगी कि मैं कहूंगी बस मैंने आज सही टाइम पे हाथ मारा इस गाने पे, वरना मैं बहुत टाइम बाद सुनती, अब मैं बहुत टाइम तक इसको सुनूंगी, समझ रहे हो दो लाइन में फर्क बहुत टाइम बाद सुनती और बहुत टाइम तक सुनूंगी गाने में बहुत फर्क है, तो मजा आया मेरे को। अगर आप लोगों को मेरे साथ कोई भी चीज देखनी पसंद आती हो, आप लोगों को कोई भी चीज अच्छी लग रही हो, कोई बात अच्छी लग रही हो, कोई भी चीज जेन्यून लग रही हो, देखो मैं सबको बता रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे को टोटल समझ में आ रहा है, नहीं कह रही हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से सुनती हूँ पंजाबी, और ऐसा भी नहीं कहती हूँ कि मुझे सबटाइटल नहीं है, आज वो थोड़े
क्लोज कैप्शन में हिंदी में इंग्लिश में मैच आ रहे थे, तो मेरे जो पकड़ में आ रहा था वो थोड़ा बहुत सामने पढ़ने में भी दिख जा रहा था, तो समझ में आ जा रही थी चीजें। तो बिल्कुल साफ रख दिया मैंने अपने आपके सामने अपनी चीजें। ऐसा भी नहीं कहूंगी कि हाँ खाली नाच रही हूँ, मेरे को तो खैर म्यूजिक ही नचाने के लिए काबिलियत, मतलब मेरे को जरूरत नहीं है कि मेरे को बिल्कुल एक एक लाइन समझनी है, मेरे को म्यूजिक और आवाज से भी मैं नाचना शुरू हो जाती हूँ। मेरे अंदर है थोड़ा सा कि मैं खत्म होने लगती हूँ, तो और जब दो चार चीजें समझ में आ जाती है फिर तो मैं हूँ पागल, हो जाती हूँ पागल, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीजें वाइब आती हैं, आप लोग भी थोड़े इस तरह के हो, आप लोगों को भी चीजें जेन्युइन लगती हैं, बातें सही लगती हैं, तो बस कुछ नहीं करना होता है, जुड़ जाना होता है चैनल पे, ठीक है। यूट्यूब पे दो चार चीजें ही हैं, शेयर मारना होता है, लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए खुला है, पूरा एक्सप्लेन कर दो गाना, पूरा लिख दो, ठीक है। तो मेरे अगर आप लोगों ने लिख दिया ना, तो वो मेरी जुबान में चढ़ जाएगा मुझे लग रहा है अगले दो तीन वीडियो तक, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ जो मेरे को पसंद आती है चीजें। तो बस कर दो ये काम। चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा।